हमारा सेशन है इनहेरिटेंस इन पाइथन। सो आज हम देखेंगे कि पाइथन में हम इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करते हैं और इनहेरिटेंस होता क्या है। सो इनहेरिटेंस बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम लोग रीयूजबिलिटी को अप्लाई करते हैं। तो इनहेरिटेंस में एग्जैक्टली होता क्या कि एक क्लास है और उस क्लास को हम इनहेरिट करके उस क्लास को हम यूज़ करते हुए उस क्लास का कोड यूज़ करते हुए हम एक नई क्लास हम बना लेते हैं। अगर हम और इसको टिपिकली कंसेप्चुअल लैंग्वेज बोलेंगे सो इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग ए न्यू क्लास बाय रीयूजिंग कोड ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। अब ये रियल लाइफ में कैसे होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर हमारे पास हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सकते हैं। बट इसके रिक्वायरमेंट क्यों है उसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो एक बाइक कंपनी है और बजाज ऑटो ने एक बजाज पल्सर 180 सीसी करके एक मॉडल बनाया है। नाउ ये मॉडल मार्केट में भी चल रहा है, इस मॉडल की कई सारी बाइक्स लोगों ने खरीदी है। नाउ बजाज पल्सर को लगता है कि अब ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो क्यों ना इसके वेरिएशंस निकाले जाए। तो बजाज पल्सर उस मॉडल में मॉडिफाई करेगा, मॉडल के डिज़ाइन में मॉडिफाई करेगा और एक नई उन्होंने मॉडल रिलीज किया मार्केट में, वो है बजाज पल्सर 200 सीसी। नाउ 200 ऑलरेडी से 220 सीसी, नाउ 220 सीसी है क्या, नया मॉडल है। तो बजाज पल्सर ने क्या कि पुरानी डिज़ाइन को मॉडिफाई किया, उसमें कुछ नए फीचर ऐड किए और एक नई डिज़ाइन रिलीज़ की। अब इस डिज़ाइन की हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बाइक मार्केट में अवेलेबल है परचेज करने के लिए। तो बजाज पल्सर ने किसी एग्जिस्टिंग बाइक में चेंज नहीं किया, उसने बाइक के मॉडल में चेंज करके फिर उस नए मॉडल की बाइक्स बनाई। सो इनहेरिटेंस का मतलब होता है डिज़ाइन से डिज़ाइन बनाना, कंसेप्ट से नया कंसेप्ट बनाना, ना कि चीज़ों से नई चीज़ बनाना। तो कंसेप्ट को यूज़ करके एक नया कंसेप्ट बनाने को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी पहले कुछ ऐसा चलता था, अब कुछ नया चलेगा, सो उसी को मॉडिफाई हम करते हैं। सो इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग ए न्यू क्लास बाय रीयूजिंग कोड ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। तो यहाँ पर डेटा का कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिज़ाइन का इनहेरिटेंस हो रहा है, मॉडल का, ब्लूप्रिंट का, प्रोटोटाइप का इनहेरिटेंस हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक रियल कोड एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि कैसे काम करता है। इनहेरिटेंस कई टाइप के होंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की, तो अगर एक मॉडल में एक डिज़ाइन में चेंज करके नया डिज़ाइन अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने ऊपर देखा 180 सीसी से 220 सीसी की बाइक हमने डिज़ाइन की, तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, लेट्स से ए इज़ अ डिज़ाइन, और उसको हमने अपडेट करके एक नई डिज़ाइन बनाई है, नई क्लास बनाई है, उसको हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक मल्टी लेवल भी होता है। मल्टी लेवल में जो इनहेरिटेंस है वो एक लेवल, एक से ज़्यादा लेवल नीचे आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक को ए डिज़ाइन है, ए क्लास है, उसको हमने मॉडिफाई करके उसको हमने यूज़ करते हुए एक बी क्लास बनाई और फर्दर उसको भी यूज़ करते हुए हमने एक सी बनाई। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड है हमारा हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है, सॉरी हम मल्टीपल भी देख लेते हैं। मल्टीपल में क्या होता है, आपके पास में ए और बी दो सेपरेट डिज़ाइंस हैं, दो सेपरेट डिज़ाइन को मर्ज करके एक नई डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जैसे एक कार है और एक एरोप्लेन है। अब कार अपना काम है, कार का अपना काम है और एरोप्लेन का अपना काम है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी उड़ने वाली कारों का, फ्लाइंग कार्स का जमाना आने वाला है। सो अभी कुछ कंसेप्चुअल कार बन गई हैं, अब बन भी गई हैं, दे कैन फ्लाई। सो फ्लाई करने की जो टेक्नोलॉजी और ड्राइव करने की, जो रोड पर ड्राइव होने की जो टेक्नोलॉजी, दोनों को मर्ज करके हमने फ्लाइंग कार बना ली। सो दो अलग अलग चीज़ों को मिला के जब नई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलेंगे, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें मर्ज हो रही है। फोर्थ अगर हम बात करें तो वो होगा मल्टी
हायरारकल, हायरारकल कुछ भी नहीं है, जो हमने सिंगल लेवल देखा है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का ही वर्जन है। जैसे ए कोई हमारे पास डिजाइन है, उस डिजाइन से हमने बी डिजाइन बनाई और हमने ए डिजाइन से ही सी डिजाइन भी बना ली, ए डिजाइन से ही डी डिजाइन भी बना ली। तो एक डिजाइन से कई नए कंसेप्ट हमने निकाले, ठीक है, उसको हम मल्टीहायरिकल इनहेरिटेंस बोलेंगे। और लास्ट अगर हम बात करें, विच इज नॉट एक्चुअली इनहेरिटेंस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज अ मर्ज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, सो हम बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स मर्जिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ए सिंगल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पर हम इसमें मर्ज कर सकते हैं, मर्ज एनी ऑफ एनी टू और मोर ऑफ अबव इनहेरिटेंस। तो अब हम कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें हमने एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस के टाइप यूज़ कर लिए हैं और उसको हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम इसको रियल कोड एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने कोई एक क्लास बनाई लेट से, जो हमारे पास लेट से पहले से बनी हुई, तो हमारे पास एक क्लास बनी हुई है पर्सन, विच इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन। एक पर्सन की जनरल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, लेट्स डिक्लेयर द जनरल इन्फॉर्मेशन इन द इनिशलाइजर कंस्ट्रक्टर, इनिट कंस्ट्रक्टर। तो उसको हम डिक्लेयर करने का ट्राई करते हैं, क्या क्या एक पर्सन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी चाहिए। सो मैंने एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम मैंने लिया, सेल्फ डॉट एज मैंने लिया। तो नेम और एज हर पर्सन की कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है जो हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए मैंने एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया, डिफाइन सेट डेटा। सेट डेटा करके मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जिसको मैं इन्फॉर्मेशन पास करूँगा, एन फॉर नेम एंड ए फॉर एज, और ये इन्फॉर्मेशन मैं असाइन कर दूँगा नेम और एज को, नेम इक्वल टू ए, एज इक्वल टू ए, सॉरी नेम इक्वल टू एन। सो ये मैंने एक सिंपल सा कोड यहाँ पर लिखा है जिसकी हेल्प से जो भी डेटा हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सकता हूँ एक साथ। तो मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसकी जगह मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड बना दिया डेटा पास करने के लिए। एक मैंने मेथड बना दिया यहाँ पर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले नाम का मेथड मैंने, फंक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया, ये इस डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो हमने बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन बनाया क्लास के अंदर और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया पर्सन नेम कॉमा एज। अब इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया आपके लिए और उस ऑब्जेक्ट पे हम डेटा सेट कर देते हैं। तो हमने एक P1 करके ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास का और उस ऑब्जेक्ट को मैंने डेटा पास किया p1.setData और यहाँ पर मैंने लिख दे दिया डेटा। जो डेटा मैंने यहाँ पर पास किया है, लेट से मैंने यहाँ पर अमित पास किया नेम में और 29 पास किया एज में, और इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया। लेट्स रन दिस, इसको हम चेक करते हैं, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, सो लेट्स सी व्हाट इज़ नेम एंड वेयर इट इज़ नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 27, सो वी हैव टू यूज सेल्फ टू यूज द ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन द क्लास। सो यू कैन सी हियर आउटपुट, पर्सन अमित। Now, let's we want to store information about students. So, if you want to store information about students, let's first put a separator here. So, let us create a class student. Now, you want to store student's roll number. So, you can create a variable. Declare a variable using init syntax. Let's say self dot roll number equal to 0.
Now you also want to store name, age, course. So you can also use self.course, and default is, let's say, BECS. Now you want age and name also. So you can inherit the name and age from person class. You can inherit these two variables, these function and this method also. All the code you can inherit. You can reuse all the code of person class by using a very simple syntax. You just need to write here person in the bracket. So you'll get all the code, and to initialize the data from received from this person class, you can class call here. To include the data, you can call person dot init and self. This is how you can call it. Now this is, we have now four variables, roll number, name, and two variables from person initializer, person constructor, that is name and age. Now let us create object of this class, student class. So s1 equal to student. Now for the time being, what I am doing is I'm just going to put one code, line of code, in the default constructor of person. I am default person, this one. So whenever you create object of child class, so let me explain what is child class. So basically a student is a child class here, and person is nothing but a super class. So person is super class and student is a child class. So let's create an object of child class. Now if I run this code, what you see is that I am default person is printed two times. Why it is so? Aisa kyun ho raha hai ki do bar print ho raha hai? To aisa isliye ho raha hai ki ek bar tumne person ka object banaya to person ka default constructor chala. दूसरी बार हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर से भी पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल गया। इस पर्सन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के चलने की रीजन से एक और बार आपका ये प्रिंट हुआ। अब अगर आप s1 को डिस्प्ले करेंगे तो आपको क्या प्रिंट होगा? पर्सन जीरो। क्यों? क्योंकि आपने पर्सन के डिफॉल्ट इनिशियलाइजर के थ्रू डेटा सेट किया, डिफॉल्ट डेटा BECS यहाँ पर है, और डिस्प्ले कॉल किया। अब डिस्प्ले क्या प्रिंट कर रहा है? सिर्फ नेम और एज प्रिंट कर रहा है। तो हमें डिस्प्ले को मॉडिफाई करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं कि डिस्प्ले सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करें। तो सबसे पहले तो हम इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, s1.name इक्वल टू अतुल, s1.age इक्वल टू 23, s1.course इक्वल टू MBA, and s1 dot roll number equal to 2030. Let's अभी भी अगर मैं डिस्प्ले कॉल करूँगा तो सिर्फ नेम और एज प्रिंट होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट नहीं होगी क्योंकि डिस्प्ले में वो कोड ही नहीं है। सो हम डिस्प्ले को रीडिफाइन करेंगे, और यहाँ पर मैं एक मैथड बना रहा हूँ, डिफाइन डिस्प्ले। वी आर रीडिफाइनिंग द डिस्प्ले टू प्रिंट फोर इन्फॉर्मेशन। Till now our display was printing two information. Let's redefine this display in the child class to print four information with some bit modification: self, name, age, course, roll number. So we have printed four information here. अब इसको फिर से run कर देते तो हमने display को modify कर दिया कि चाइल्ड क्लास में भी डिस्प्ले हमने बना दिया और उसका कोड हमने बदल दिया। सो डिस्प्ले विच इज बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन वाज ओनली प्रिंटिंग टू वेरिएबल्स नेम एंड एज, नाउ इट इज प्रिंटिंग फोर वेरिएबल्स। सो व्हेनेवर वी मेक अ सेम मेथड हुज सिंटैक्स इज सिमिलर टू द मेथड इन द सुपर क्लास, वी कॉल दिस मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर सुपर क्लास में और चाइल्ड क्लास में मेथड के नाम सेम हो गए, आर्ग्यूमेंट सेम हो गए, तो इसे मेथड ओवरराइडिंग हम बोलेंगे कि हमने मेथड को बदल दिया, ओवरराइड कर दिया
अपडेट कर दिया, अब वो चाइल्ड वाला चलेगा। इसी तरह से तो हमने एक बहुत बेसिक आइडिया लिया। इसी तरह से सेट डेटा मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। तो सुपर क्लास में जो सेट डेटा मेथड है वो दो डेटा इनपुट में ले रहा है। अब हमें चार डेटा वाला मेथड बनाना है तो हम बना सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेट डेटा सेल्फ नेम एज कोर्स रोल नंबर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम सॉरी कॉलन एंड सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर एंड सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। तो हम सेट डेटा को भी मॉडिफाई कर दिया। सेट डेटा को मॉडिफाई किया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसको हम यूज करते हैं एक अनादर ऑब्जेक्ट के ऊपर है, S1 इक्वल टू स्टूडेंट। नाउ वी कैन पास फोर थिंग्स हियर। स्टूडेंट में सेट डेटा हम बना, सेट डेटा को हम कॉल करते हैं। यहाँ पर हम चार डेटा पास कर सकते हैं, चार डेटा हम पास करते हैं। सेट डेटा नेम इक्वल टू राज एज इक्वल टू 43 कोर्स इक्वल टू MCA एंड रोल नंबर इक्वल टू 1122। नाउ S1 डॉट डिस्प्ले। सो S1 इज ऑलरेडी देयर, सो लेट अस मेक इट S2। S2 बना लेते हैं और इसको हम रन करते हैं। ये डेटा हमारा यहाँ पर भी प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, अब हम टीचर की भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सेपरेटर दिया आउटपुट को प्रॉपरली दिखाने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पर एक और क्लास बना रहा हूँ जो टीचर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी। बट टीचर की एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर अगर हम करते हैं तो हमें उसका नेम एज स्टोर करना पड़ेगा। तो नेम और एज वेरिएबल हम पर्सन क्लास से ले सकते हैं। तो हमें नेम और एज डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो टीचर के लिए हम क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेट्स से कि सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाता है उसका मेन सब्जेक्ट हमें स्टोर करना है। सो हमने डिफाइन किया इनिशियलाइजर, और यहाँ पर हम यहाँ पर पैरामीटराइज इनिशियलाइजर डिफाइन कर देते हैं। सो सेल्फ नेम एज एंड सब्जेक्ट, यहाँ पर हम पैरामीटराइज इनिशियलाइजर की हेल्प से कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा कि सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। अब यहाँ पर हमारे पास नेम एज ऑलरेडी आ रहा है, सुपर क्लास से इनहेरिट होके पर्सन क्लास से इनहेरिट होके। सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज एंड सेल्फ डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस को यूज किया। नेम और एज हमारे पास आ रहा था तो नेम और एज हमें बनाना है। तो नेम और एज को हम इनहेरिट करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, वो है सुपर, सॉरी क्लास का नाम हमारी पर्सन है, पर्सन डॉट अंडर स्कोर इनिट, जिससे दोनों वेरिएबल बन जाएंगे हमारे डिफॉल्ट इनिशलाइज हो जाएंगे। और उसके बाद उन वेरिएबल को हम यहाँ पर नई वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे सेल्फ पास करना पड़ेगा,
इसी तरह से हम डिस्प्ले को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफाइन डिस्प्ले, और डिस्प्ले को हमने मॉडिफाई कर दिया। और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया टीचर की इन्फॉर्मेशन को, टीचर नेम एंड एज। अब नेम और एज अगर हमें प्रिंट करना है तो नेम और एज हमारे पास ऑलरेडी है प्रिंट करने का कोड, जो कि सुपर क्लास में लिखा है। कहाँ पर? सुपर क्लास में, पर्सन में। तो हम यहाँ लिखेंगे पर्सन डॉट डिस्प्ले, हम सेल्फ पास करके यूज़ करेंगे उसको। तो हमने देखा कि सुपर क्लास में जो डिस्प्ले था पहले वो चलेगा और वो नेम और एज प्रिंट कर देगा, और बाकी बची हुई चीज़ हम बाद में प्रिंट कर देंगे। तो हम कोड रियूजेबिलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब मेथड, अब बचा कोड्स, तो हम यहाँ पर कोड्स को प्रिंट कर रहे हैं सेल्फ डॉट सॉरी सब्जेक्ट को, क्योंकि टीचर के पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट करके हमने यहाँ पर एक लिया है एक्स्ट्रा, जो कि हमने टीचर में रखा है। और अगर हम मेथड ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं तो हम सुपर क्लास में लिखे हुए उसी नाम से बने हुए फंक्शन को चाइल्ड क्लास में कॉल भी कर सकते हैं, इस तरह से सुपर क्लास डॉट फंक्शन ने। अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं कि टीचर क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या मैं इन जेटा को, इस चीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स चेक। सो हमने T1 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया टीचर क्लास का। अब यहाँ पर मुझे तीन चीज़ें पास करी, नेम एज एंड सब्जेक्ट। नेम में मैंने यहाँ पर मनीष शर्मा नेम दिया, एज मैंने 45 दिया, और सब्जेक्ट मैंने दिया मैथ। अब इसको T1 डॉट में डिस्प्ले करता हूँ। लेट्स चेक वेदर इट वर्क्स। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि टीचर का जब ऑब्जेक्ट बना तो सुपर क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप चला। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया था यहाँ पर और इसने इनिशलाइज़ किया। फिर तो उसके बाद तीनों वैल्यू सेट हो गई, तीनों वैल्यू को डिस्प्ले करने वाला डिस्प्ले कॉल किया। सबसे पहले टीचर प्रिंट होगा, सबसे पहले टीचर प्रिंट हुआ। फिर हमने सुपर क्लास में जो पहले से डिस्प्ले बना हुआ था उसको कॉल कर लिया, जो कि दो ही चीज़ प्रिंट करता है, नेम एंड एज। उसके बाद हमने खुद से अलग से सब्जेक्ट प्रिंट किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनहेरिटेंस में कोड को इनहेरिट करने के बाद रीयूज़ भी कर सकते हैं और फंक्शन का नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बेसिक इनहेरिटेंस का मैंने एक आइडिया दिया आपको कि कैसे आप कोड की रीयूजबिलिटी कर सकते हैं। आगे हम और देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड विद द इनहेरिटेंस इन द सेकेंड ट्यूटोरियल। थैंक यू।